क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य और संगीत का कारक कौन है? वो है हमारे ग्रहों में सबसे चमकदार शुक्र ग्रह। जी हाँ, यही ग्रह है जो हमारे जीवन में खुशियों की रौनक लाता है। 29 अप्रैल 2024 को शुक्र अस्त हो गए थे और साथ ही 6 मई को गुरु भी अस्त हो गए थे। इसका परिणाम मई और जून में कोई भी शुभ विवाह मुहूर्त नहीं बन पाया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब शुक्र 29 जून को फिर से उदय हो रहे हैं और इसके साथ ही फिर से शहनाई और ढोल नगाड़ों की धुन गूंजने लगेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर पंडित सुभाष पांडे ने बताया कि जुलाई के महीने में 9, 11, 12, 13 और 15 तारीख को विवाह का लग्न है। उसके बाद देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इसलिए जुलाई के बाद फिर नवम्बर और दिसम्बर के महीने में विवाह के लग्न है। मई और जून में गुरु और शुक्र के अस्त होने के कारण वैवाहिक आदि जो भी मांगलिक कार्य हैं वो नहीं हो पाए। 28 जून को शुक्र का उदय हो रहा है, उसके बाद 3 दिन शुक्र का बालत्व तो रहेगा, जून का महीना पूरा समाप्त हो जाएगा। जुलाई जब प्रारंभ होगा तो उस समय 13 दिन के पक्ष होने के कारण आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए कि जिस वर्ष पक्ष में 13 दिन का पक्ष होता है उसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में जाकर के 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के मध्य में विवाह आदि मंगलकृत हो सकते हैं। उसमें मुहूर्त पंचांगों में दिए गए हैं, तो 9 जुलाई 2024 से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक विवाह आदि कृत हो सकते हैं। इसलिए कि पुनः जब हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन हरिशयनी एकादशी जब हो जाएगा उसके बाद कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि 15 जुलाई के बाद देवशयनी एकादशी आ जाती है। इस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगला शुभ मुहूर्त कब है? देव उठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, तब से नवंबर और दिसंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। नवंबर में 17, 18, 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख को शुभ विवाह मुहूर्त है। वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 और 14 तारीख को विवाह के लग्न है। इस साल पिछले साल की तुलना में विवाह के मुहूर्त 35 दिन कम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जितने भी मुहूर्त हैं वे आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए पर्याप्त हैं। हरिशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शयन अवस्था में चले जाते हैं, जिसके कारण 4 महीने तक चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। तो जुलाई में केवल 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के मध्य में ही विवाह आदि के 2-4 मुहूर्त ग्रंथ पंचांगों में लिखे गए हैं। तो तैयार हो जाइए, इस साल का हर मुहूर्त खास है और शुक्र के उदय के साथ आपके जीवन में खुशियों की शहनाई फिर से बजने वाली है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।